भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यह है बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के सत्र बैटल ऑफ बंगाल में राम बनाम दुर्गा में जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए वो इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो माँ दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान खड़ा हो गया। एक बार सुनिए दिलीप घोष का दुर्गा पर दिया बयान। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है रामचरित मानस का, पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बंगला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी, तो उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा। दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए बयान से मंच पर बैठे तृणमूल नेता काकोली घोष चौंक गई। काकोली के चेहरे पर हाव भाव ही बदल गया और दिलीप घोष की बात खत्म होते ही काकोली घोष के ज्ञान को शर्मनाक बताने में देर नहीं लगाई। उन्होंने इसे पूरे हिंदू समाज का अपमान बता दिया। इट इज शॉकिंग, आई एम सो शॉक्ड एट द जेंटलमैन्स स्टेटमेंट व्हेन ही इज चैलेंजिंग दुर्गा। आई मीन आई थिंक द पीपल ऑफ बंगाल एंड पीपल ऑफ इंडिया, द हिंदूज एक्चुअली शुड डिसाइड, बिकॉज दुर्गा इज अ कॉन्सेप्ट नॉट ओनली इन बंगाल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ हिंदुइज्म। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिल में बसते हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ लिया। लज्जा है ना, जरा नारी देर सम्मान दे ना, जरा नारी देर लांछित वंचित निपीड़ित अत्याचारित शोषित कर रखे, जर राजे उत्तर प्रदेश मत उन्नाव एवं हाथरसर मत गणधर्षण घटना घटे, तक नारी क्षमता आगामी दिन शिखिए दिल्ली पाठाते हैं। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, अचानक उन्हें माँ दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। राजनीति करना है तो इसी को, इस मुद्दे को पकड़ना है। अभी सब मुद्दा खत्म हो गया, एक ही मुद्दा आया, सभी जो कर रहे हैं करने दीजिए। बंगाल के आदमी लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाले बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। देवी दुर्गा पश्चिम बंगाल में एक आवेग है, एक उन्मादना है, और इसी देवी दुर्गा रूपी आवेग पर सवार होकर टीएमसी बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरी है। दरअसल इससे पहले तक हमने देखा कि जय श्री राम के नाम के हथियार को बखूबी बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, और अब टीएमसी को मौका मिला है तो वो दुर्गा रूपी हथियार को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने में नहीं चूकना चाहती। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक।